राज्यसभा में कल के हंगामे की एक्सक्लूसिव तस्वीर। मर्यादा तोड़ने वाले 8 विपक्षी सांसद पूरे सत्र तक निलंबित। उपसभापति पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज। सरकार ने कहा कि कल सबसे शर्मनाक दिन था लोकतंत्र का। कानून मंत्री बोले, मार्शल ना होते तो उपसभापति पर हमले की आशंका थी। बिहार चुनाव में अपमान भी होगा मुद्दा। कृषि बिल पर दुष्प्रचार को जवाब। रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जारी रहेगी खरीद। लागत मूल्य पर 106% तक लाभ। बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14,000 करोड़ से ज्यादा का बंपर गिफ्ट। 9 हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी है। 46,000 गांव जोड़ने वाली डिजिटल क्रांति। चीन से बातचीत के पहले लद्दाख में रफाल की उड़ान। कोर कमांडरों में सुबह 9 बजे से बातचीत जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी शामिल। सेना में महिला शक्ति बड़ा का बड़ा दिन। पहली बार नेवी की 2 अफसर सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और कुमुदिनी को युद्ध पोत पर तैनाती दी गई है। वायुसेना के रफाल बेड़े में भी पहली महिला पायलट की ट्रेनिंग शुरू। भिवंडी में बिल्डिंग हादसे में मरने वाले संख्या जो है वो बढ़कर 13 हो चुकी है। इमारत का मालिक केस दर्ज हुआ है, फरार चल रहा है। नोटिस के बाद भी खाली नहीं कराई गई थी 45 साल पुरानी इमारत। बॉलीवुड में यौन शोषण का रूपा गांगुली ने उठाया मुद्दा। वर्क प्लेस के लिए खड़े कानून की मांग। अनुराग कश्यप पर शिकायत लिखाने थोड़ी देर में फाइल घोष जाएंगी थाने। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नया खुलासा। सूत्रों का दावा, श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर की चैट भी एनसीबी के जांच के दायरे में। श्रुति और जया शाह से भी कल पूछताछ। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा नए केसेस आए। एक दिन में 1,130 लोगों की मौत। 54,87,000 के पार पहुंचाया आंकड़ा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।